नमस्कार दोस्तों, मार्केट एक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, CDSL सेंट्रल डिपॉजिट सर्विस लिमिटेड, इस पर मैंने हाल ही में पहले भी वीडियो बनाया, लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगा कि शेयर के अंदर अपॉर्चुनिटी है और बिल्कुल यहाँ पे आप इस शेयर में अच्छे लेवल्स देख सकते हैं। 2118 रुपये आ चुका है और लेवल की मैं बात करूँ, ये ज़्यादा बड़ा वीडियो होने वाला नहीं है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, शेयर का प्राइस लगभग यहाँ पे 2000 के आसपास था। मैंने आज टेस्टिंग के लिए शेयर को बाइंग किया है, यहाँ पे मैंने बाइंग किया है, उसके बाद ये शेयर जो है 6 रुपये माइनस नीचे चला गया है। जो कि मैंने बाइंग किया था वो 2125 के आसपास था, जन 2118 चल रहा है। टेस्टिंग के लिए एक शेयर बाइंग किया है। मेरी ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है दोबारा से कि मैं कैसे इसको बाइंग करके एक लेवल पे ला सकता हूँ। जैसे कंसोली करते हुए 2125 का लेवल हमें बार बार देखने को मिल रहा है, ये शेयर इस पर आके रुका हुआ है। तो अगर ये यहाँ से ऊपर गया तो मुझे फ़ायदा है, एक शेयर पे भी मुझे लगभग 100 रुपये तक का फ़ायदा, मैं प्रॉफिट इस शेयर से निकाल सकता हूँ। कि हाल ही में ये शेयर जो है 2224-25 के आराम से जाके आया हुआ है, तो 100 रुपये का प्रॉफिट तो मैं वैसे भी एक शेयर से निकाल सकता हूँ, जो मेरा आराम से प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन मैं कहूँगा कि मैंने और शेयर बाइंग करना है इसके। अगर यहाँ से ये लगभग 2100 के आसपास भी गया, देन यहाँ पे 2190 भी गया, तो मैं इसे और बाइंग करूँगा, ताकि मुझे एक मोमेंट पता चल जाएगा कि मैं इसे बाइंग कर सकता हूँ। क्योंकि मैं उस टाइम भी अगर वहाँ बाइंग करता तो मुझे लॉस होता, या फिर मैं आराम से वहाँ पे कम प्रॉफिट लेता। लेकिन मैं यहाँ से अगर बाइंग करके चल रहा हूँ तो मैं और भी अच्छे लेवल पे आ सकता हूँ। मैं सोचूँ कि मैं और भी नीचे, तो पेशेंस मेरा नहीं रहेगा, मैं इसे हड़बड़ाहट में बाइंग कर लूँगा और मैं लॉस में जाऊँगा। लेकिन ऐसे ही लेवल पे जैसे कि मैं इसे अब बाइंग करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं 2040 के लेवल को भी बाइंग करने की कोशिश कर सकता हूँ। बिकॉज मुझे लगता है कि अगर नीचे का ट्रेंड बना इसमें, तो लगभग 2040 तक का लास्ट लेवल बनने वाला है, और उसके बाद मैं इसे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी पे बाइंग करके आने वाले टाइम पे और भी अच्छे लेवल ले सकता हूँ। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसा आपको लगता है, कमेंट में लिख के बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।